दोस्तों, आज हम लोग कोशिका संरचना और कोशिका सिद्धांत के ऊपर, कोशिका संरचना क्या कहते हैं और कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत पहले जान लेते हैं। इनको देने वाले प्रतिपादक दो वैज्ञानिक, स्वान और स्लाइडन, दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे, यहाँ के नहीं थे। अधिकतर देखिए, हमारे भारत में भी बहुत खोज चीज का खोज हुआ है, बहुत सारा साइंटिस्ट लोग हुए हैं, बट एक गौर से जरा देखिए कि जो भी आधुनिक चीज का हुआ है वो सारा पक्ष में हुआ, और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग में कुछ गलतियां हैं, ये तो ये सामाजिक सिस्टम में है या कुछ यहाँ का, उसी कारण हम लोग पीछे हैं आने पे। कोई भी चीज़ का देखो ना, वायुमान का खोज तो क्या अमेरिका वाला किया, ये जर्मनी वाले की पश्चिमी की ओर सारे लोग किए। अब चलते हैं, खैर वो जो कुछ भी है पढ़ेंगे, जिस दिन सामाजिक शास्त्र में आएंगे, सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत ये सारे बातें आते हैं, उस दिन समझेंगे। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव की जो कोश शरीर बनी हुई है, जिससे उस जीव बनी हुई है, कोई भी जीव या कोई भी सजीव का जो ढांचा काया बना हुआ है, वो काया कोशिका का बना है, कोशिका सिद्धांत। इसके प्रतिपादक दो जर्मन वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन का नाम था मैथियस जैकब स्लाइडन, जिसे एमजे स्लाइडन कहते हैं, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, और एक थे स्वान जो जंतु वैज्ञानिक थे। तो ये वनस्पति वैज्ञानिक ने क्या कहे कि जंतु का पादप का शरीर पहले से मौजूद पादप कोशिका से हुई है। जंतु का शरीर, जंतु वैज्ञानिक स्वान ने क्या बताया कोशिका थ्योरी में आकर के, कि जंतु का जो भी शरीर बना है, वो जो बने हुए हैं पहले से मौजूद कोशिका से, पहले से मौजूद कोशिका क्या रहे, तो पहले से मौजूद जैव अणु रहे होंगे। भाई जैव अणु जब पढ़ेंगे ना, एक अलग चैप्टर डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, वहां जाके जैव अणु जब पढ़ेंगे ना, उसमें समझाने कि पहले से जैव अणु यहाँ विद्यमान थे पूरी इन्वायरमेंट में। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिभा, आप देखो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया, ठीक, उन्हें 1838 और 1839। अब देखिए 1855 में आकर के बिर्चो नामक साइंटिस्ट ने क्या किया है, कि बिर्चो नामक साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को अपने मत, इस सिद्धांत पर अपना विचार दिया और इसको और विस्तार किया और जानकारी दुनिया के आगे, दुनिया के सामने इसकी जानकारी उजागर की। ये बिर्चो ने बताया, और उन्होंने ही बताया कि कोई भी जीव का जो शरीर बना पहले से मौजूद कोशिका से, बिर्चो ने बताया। फिर कोशिकीय थ्योरी में क्या बताया थी, देखो वास्तव ये पहले बाद में बताया ना, पहले ये दोनों कह चुके कि जंतु का पादप का शरीर, वनस्पति वैज्ञानिक पादप का शरीर पहले से मौजूद पादप कोशिका से होते हैं, जंतु का शरीर पहले से मौजूद जंतु कोशिका से, पहले ये बताती, बाद में फिर ये कहते कि कोई भी जंतु का कोशिका निर्माण जो होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से होता है। अब ये समझ लिए कोशिका सिद्धांत, शॉर्ट में समझते नहीं कि बड़ी विस्तार में समझना, हम लोग को जो अनुसार हम लोग को एग्जामिनेशन में आते हैं कम समय दिया रहता है, पूछेगा कोशिका थ्योरी किसने दिया, स्लाइडन और स्वान, इसको आगे किसने बढ़ाया, तो बिर्चो ने बढ़ाया। कब दिए, तो 1839 में, ठीक है ना, 1855 में किसने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, बिर्चो ने आगे बढ़ाया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किसने बताया कि पहले से मौजूद कोशिका से, पहले से मौजूद कोशिका रहते हैं उससे कोशिका निर्माण होता है, तो बिर्चो ने बताया। किसने बताया कि जंतु का शरीर जंतु कोशिका से ही बनते हैं, तो ये क्या कहते हैं, स्वान ने बताया। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब तो कोशिका संरचना, जो भी कोशिकांग है ना वही कोशिका संरचना होता है, कोशिका के अंदर सेल के अंदर जितने सारे अंग होते हैं उसे कोशिका संरचना कहते हैं। तो कोशिका संरचना मुख्यतः तीन रूप से, तीन चीज से हुआ, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलिए, ये हुआ। आइए जीव द्रव, अब जरा देखिए तीन तीन मुख्य संरचना कितने हुए, तीन, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव। अब जीव द्रव के अंदर क्या क्या आते हैं, जीव द्रव दो पार्ट में फिर बच जाते हैं, एक केंद्रक हो जाता है, एक कोशिका द्रव हो जाता है। तो देखो केंद्रक और कोशिका द्रव को सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव कहते हैं। अब कोशिका द्रव में क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी का, ऐसे ही करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चित्र में बताए थे बैक वाले क्लास में देख लीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम ये हो गया। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुलम के बाद क्या होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इसके बाद होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइसोसोम, जिसको ताड़ा काय कहते हैं। इसके बाद राइबोसोम होता है, राइबोसोम, राइबोसोम नहीं सोम कहिए, राइबोसोम, ठीक है ना, इंग्लिश में एसओएमई सोम। एक सेंट्रोसोम हो गया। इसके बाद बहुत सारे गुच्छ गुच्छे रूप में रहता है राइबोसोम, तो उसको कहा जाता है पॉलीसोम भी रहते हैं, पॉलीसोम, पॉलीसोम इंग्लिश में सोम, हिंदी में सोम, इंग्लिश में जोम बोलते हैं इसको। आप देखिए केंद्रक के कितने पार्ट हो गए, तो केंद्रक के केंद्रक झिल्ली, और इसके बाद केंद्रक द्रव, ये भी दो पार्ट में बच जाते हैं। ये भी कितने पार्ट में हो जाते हैं? दो पार्ट में। केंद्रक झिल्ली चारों ओर से घिरे हुए, हम चित्र में बताए थे बैक वाले क्लास में, देखिए केंद्रक झिल्ली और एक हो जाता है केंद्रक द्रव। केंद्रक झिल्ली हो जाता है और केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव में क्या कह रहा था वो देखिए, केंद्रक द्रव। अब केंद्रक द्रव में क्या क्या होता है, तो केंद्रक द्रव में देखिए क्या क्या आ जाता है। केंद्रक द्रव यहां लिखते हैं हम, फिर केंद्रक द्रव, द्रव, केंद्रक द्रव में क्या क्या हो जाता है, तो केंद्रक जालिका हो जाता है। एक केंद्रक जालिका, इसमें क्या क्या आ जाता है? केंद्रक जालिका, देखिए केंद्रक जालिका, केंद्रक द्रव में क्या आ जाता है? जालीनुमा केंद्रक जालिका, जालिका, केंद्रक जालिका हो गया। इसके बाद देखिए केंद्रक जालिका हो गया, केंद्रक जालिका के बाद एक क्रोमोजोम होता है। केंद्रक जालिका में क्या होता है? क्रोमोजोम, ये समझ लीजिए। केंद्रक जालिका, केंद्रक जालिका में क्या होता है? क्रोमोजोम। इसमें क्या आता है? केंद्रक जालिका के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है? क्रोमोजोम, क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम हो जाए। आप देख लीजिए क्रोमोसोम के अंदर केंद्रक जालिका हो गया, क्रोमोसोम हो गया। आप देख लीजिए इस केंद्रक जालिका के अंदर क्रोमोसोम होता है, यानी कि केंद्रक जालिका जब टूटती है तो मुड़ जाता है, तो क्रोमोजोम या क्रोमोसोम इंग्लिश में, हिंदी में क्या? इंग्लिश में क्रोमोजोम, ये हो जाता है। इसके बाद अगर आगे आइए तो अब क्या होता है, ये देखिए केंद्रक द्रव में एक हो जाता है केंद्रक द्रव हो गया, एक हो जाता है केंद्रक द्रव। इसके बाद हो जाता है न्यूक्लिक एसिड अम्ल हो जाता है, एक प्रोटीन, ये जरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है नोट में आप लोग को। केंद्रक, अब क्रोमोजोम दो पार्ट में रहता है, ये क्रोमोजोम दो पार्ट में रहता है, कितने पार्ट में ये जरा देख, एक क्रोमोजोम दो पार्ट में रहता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक केंद्रक अम्ल जिसको कहते हैं। अब केंद्रक अम्ल कितने बार में होता है? केंद्रक अम्ल दो होता है, डीएनए और आरएनए। देखिए केंद्रक अम्ल एसिड कितने होते हैं? डीएनए और आरएनए। क्रोमोजोम कितने पार्ट हो गए? क्रोमोजोम दो चीज से बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ठीक, तो प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो पार्ट में टूट जाता है, डीएनए और आरएनए, इसको कहते हैं डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब केंद्रक जालिका हो गया, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव ने केंद्रक जालिका। अब देखिए केंद्रक द्रव के कितने पार्ट, केंद्रक जालिका, केंद्रक जालिका के एक पार्ट हो गया क्रोमोजोम, क्रोमोजोम दो चीज से बने हुए रहते। अब केंद्रक झिल्ली हो गया, तो इस प्रकार से कोशिका संरचना है। कोशिका संरचना तीन मुख्य तीन भाग फिर से समझ लेते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको है प्लाज्मा, द्रव जीव द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला के जीव द्रव कहते हैं। अब इसके बाद जीव द्रव में दो गो चीज आ जाता है, कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव भरे होते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में ये सारी संरचनाएं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, सुसोम, राइबोसोम, पॉलीजोम, ये सब रहते हैं। इसके बाद आइए इधर, केंद्रक क्या था? दो पार्ट में, एक केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव
केंद्रक जालिका हो जाता है, केंद्रक जालिका, केंद्रक जालिका के अंदर फिर क्या होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम दो पार्ट में रहता है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो पार्ट में, डीएनए और आरएनए। ऐसे करके पूछे, आपको पूछे, ये ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि केंद्रक के कौन से भाग है, और आपको दे दिया जाएगा डीएनए और आरएनए, तो डीएनए आरएनए केंद्रक के भाग है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ। इसके बाद में कोशिका संरचना में के मुख्य कितने है, भाग है, तो तीन, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव, ठीक है ना। जीव द्रव के कौन कौन से भाग है, तो जितने सारे कोशिकांग है जीव द्रव के भाग है। अब केंद्रक कितने चीज से बनता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव मिलके केंद्रक मिला है। केंद्रक अंदर केंद्रक जालिका होता है जो लंबे टूट के कोशिका विभाजन के समय जब टूटता है और मुड़ता है ना, तो वही क्रोमोजोम होता है। उसके अंदर जीन होता है, डीएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए, जो से हम लोग जीन आ कहते हैं, जीन के क्रियात्मक इकाई डीएनए और आरएनए होते हैं, ये समझ लीजिए। इस प्रकार से हम लोग अनुवांशिक इकाई डीएनए होता है, कोई भी चीज के डीएनए आप लोग देखोगे कि किसी का डीएनए टेस्ट होता है, यानी कि उसको पीढ़ी मिलाने के लिए इसी का है कि या नहीं। तो ये सारे, ये हो गया कोशिका सिद्धांत, ये हो गया कोशिका संरचना, इतने सारे अध्ययन के पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक एक करके इसमें से निकाल के एक केंद्रक पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक के सारे चीज को बारे में पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर गोल्जी का है तो उसको बारे में, एंडोप्लाज्मिक ड्यूक तो सारे के पढ़ेंगे। तब तक लिए जाइए।